सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोर न्यू वीडियो। सो गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी परसों, मतलब 13 तारीख को, परसों नरसों जब भी है। जिसने नहीं देखी, इधर या इधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तब देख लेना। लेकिन गाइस, जो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का पर्पज़ है मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो मेरे से कई जनों ने पूछा कि आपका मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कैसा है, तो मैं आज दोबारा से उस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया था, बट आज जो वीडियो बनाऊंगा उसका प्रॉपर आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा मैं आपको, कि मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कैसा है और कैसे मैंने उसको एडजस्ट किया है। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं आपको अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ, जो मेरा सेटअप है। तो मेरा सेटअप कुछ इस तरीके का है। ये रहा मेरा सेटअप। अभी मैंने इसमें मोबाइल नहीं लगा रखा, क्योंकि मुझे जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मोबाइल यही है, इसी से मैं अपना मोटो ब्लॉगिंग करूँगा। तो ये मेरा कुछ ऐसा सेटअप है। आपको हर एक चीज़ खोल के दिखाऊंगा कि मैंने अपने सेटअप को कैसे बनाया है। तो चलो दिखाता हूँ आपको आगे। तो गाइस, जो मैंने अपना सेटअप बनाया है वो देखो कुछ इस तरीके का था। ये मैंने हेलमेट लिया था, ये स्टड का अपना हेलमेट है। ये अपना स्टड का हेलमेट है कुछ ऐसा। ये निंजा स्टड है, मैंने अमेजोन से बुक करके मंगाया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जितनी भी एसेसरीज मैंने इसमें यूज़ करी है उस सब का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उसको बाय भी कर सकते हो। तो मैंने ये अमेजोन से परचेज़ किया था, करीबन 1100 का कुछ ऐसे ही। ये ओपन भी हो जाता है कुछ ऐसे। और इसके साथ में जो मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो मैंने यूज़ करा है वो है माउंट्स। ये माउंट्स मैंने सारे अमेजोन से बुक करके मंगवाए थे। इसमें जे माउंट आ जाता है, कर्व माउंट आ जाता है, सारे माउंट आ जाते हैं इसके अंदर, तो मैंने बुक करके मंगवाए थे। और साथ ही साथ में मैंने ये स्क्रू भी आपको सारे कर्व उसके साथ आ जाएंगे, माउंट्स के साथ, ठीक है। एक ये नट है जो सिर्फ 150 रुपये का मैंने लिया था अमेजोन से। छोटा सा स्क्रू है, 150 रुपये का मुझे मिला था उस टाइम पर। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप भी इसको यूज़ कर लेना, बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत अच्छा वीडियो बनती है। और जो नेक्स्ट है वो है मोबाइल स्टैंड। ये मैंने, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये मैंने मंगाया था। ये भी सारा कुछ मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो ये देखिए, ये पूरा ऐसे मुड़ जाता है, ये देखिए। आप इसको किसी भी तरीके से, अपने तरीके से इसको सेट कर सकते हो, जिस तरीके से आपकी वीडियो अच्छी बन सके। तो मैंने तो इसको जैसे सेट करा था, मैं आपको सारा दिखाऊंगा मैंने कैसे सेट करा था। तो मैंने इसके अंदर एक माइक सेट कर रखा है, इस साइड में, इस पर मैंने एक माइक सेट कर रखा है। यहाँ पे जो माइक मैंने यूज़ करा है मोबाइल के लिए, ये है माउनो का माइक। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया था। इस सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अब जाके बाय कर लेना। तो अब मैं आपको इसको कम्प्लीट करके दिखाना, फिर चलते अपन मोटो ब्लॉग करते। सो गाइस, अपना सेटअप कुछ ऐसा दिखता है रेडी होने के बाद। ये देखिए, ये अपना सेटअप कुछ ऐसा है। अगर आपको सेटअप अच्छा लगे तो आप भी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा हर एक चीज़ का, तो आप भी खरीद सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा महंगी एसेसरीज़ खरीदने से अच्छा है, अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी एक्शन कैमरा खरीदने से अच्छा है, कि अगर आपके पास कोई बढ़िया सा मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, और उसके अंदर वाइड एंगल है, तो आप उससे भी वीडियो बना सकते हो। अभी कैमरा खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अब स्टार्टिंग इससे करिए। जब आपके पास आगे अर्निंग होती रहेगी तो आप खरीद सकते हो, नहीं तो आप अपना स्टार्ट इससे कर सकते हो। अभी मैं भी फिलहाल इसी से कर रहा हूँ। तो चलो मिलता आगे मोटो ब्लॉग पे, आपको दिखाता हूँ मैं इसका, कि इसका एंगल कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। तो चलो चलते आगे। तो गाइस, हम लोग आ चुके अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। अभी मुझे नहीं पता कि इसका एंगल कैसा आ रहा, कैसा नहीं आ रहा। वो तो अभी अगर मैं आगे जाके थोड़ा रुक के अगर चेक करूँगा कि एंगल कैसा आ रहा है, अगर बढ़िया आ रहा होगा तो इसी पर मैं आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। तो चलो एक बार आगे तक जाके चेक करते हैं। और इसका विंडो, इसका मुझे नहीं पता अभी कि कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, क्योंकि सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे करनी है। तो यहाँ रुक के अभी मैं चेक करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी चेक कराया है, मैं भी अपने दूसरे लोकेशन पर आ चुका हूँ वहाँ से। यहाँ अभी मैंने चेक करा था कि वो एंगल बहुत बढ़िया एंगल आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आवाज़ की हल्की फुल्की दिक्कत है, बट इतना एडजस्ट हो जाता है अभी ये सस्ते सेटअप में, चीपेस्ट सेटअप में, बट अपना काम चल जाएगा इसमें, और आपका भी काम चल जाएगा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। बाकी ये सेटअप बिल्कुल बढ़िया है,
और अभी जैसे कि मैंने अपने इस सेटअप से अपनी दो राइड भी करी थी, जैसे कि गुड़गांव शीतला माता मंदिर की और एक दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुरुद्वारा बंगला साहिब जी है, वहाँ पर मैंने ये दो राइड करी थी। तो राइड बिल्कुल अच्छी हुई थी मेरी, भगवान की मेहर थी, दोनों राइड मेरी अच्छी हुई है। छोटी राइड थी बट अच्छी राइड थी। तो अभी जो है मैं अपनी सेटअप इसी सेटअप से अपनी सारी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। और बाकी जो मेरी SF Deluxe बाइक है ये तकरीबन 38,000 किलोमीटर दिखा रहा है कि चली हुई है, बट ये ज़्यादा चल चुकी है क्योंकि बीच में इसका जो है किलोमीटर की वायर जो है वो ख़राब हो गई थी और मुझे चेंज कराने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो मैंने इसको 1-1.5 महीने बाद मैंने इसको ठीक करवाई थी। तो ये 40,000 तो चल चुकी है बाइक, बट अभी भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हीरो की वैसे भी बाइक तो परफॉर्मेंस के बारे में जानी जाती है, एवरेज के बारे में जानी जाती है, तो ये अच्छी एवरेज देती है बाइक। और अब जब से मैंने इस बाइक को लिया तब तक इसमें मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं हुआ है, बस इसकी मेंटेनेंस मैंने टाइम पर रखी, सर्विस टाइम पर रखी। ओहो, मेंटेनेंस टाइम पर रखी, सर्विस टाइम पर रखी, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है इसका। और इस बाइक को 3 साल हो जाएंगे लिए हुए और अभी तक इसकी बैटरी जो है वो भी अच्छे से काम कर रही है। मैं आपको वाइड एंगल सजेस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में अगर वाइड एंगल का ऑप्शन है तो आप उसको ऑन करके ही चलाना, अगर आप बिना वाइड एंगल के चलाओगे तो आपको डैशबोर्ड नहीं दिखेगा और सामने सामने का व्यू दिखेगा बस। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ भी, अभी जो वाइड एंगल पे मैंने कर रखा है अब इसको मैं नॉर्मल व्यू करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो चलो मैं आपको इसको नॉर्मल व्यू करके दिखाता हूँ। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि अब ये नॉर्मल एंगल है, कोई वाइड नहीं है, कोई जूम नहीं है, ये नॉर्मल है। अब इस पर क्या है कि इस पर वीडियो शेक भी ज़्यादा होती है और आपको वाइड एंगल में क्या है कि आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिल जाती है, इसमें आपकी वीडियो भी शेक होगी और आपको इतना मज़ा भी आएगा जैसा मिल जाता है। तो आपको जैसा लगे आप वैसे कर लेना, बट इस टाइम पर जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ओप्पो X2 रेडमी बहुत अच्छा है, वीडियो अच्छी बनाता है, मैंने अपनी दोनों वीडियो इसी से बनाई है, दिक्कत ना हो। सो गाइस, आपने फ़र्क देख लिया होगा नॉर्मल कैमरे में और वाइड एंगल कैमरे में कि दोनों में कितना फ़र्क होता है। तो गाइस ये फ़र्क होता है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप एक्शन कैमरा भी ना लेके आप मोबाइल खरीद लीजिए एक अच्छा सा, उससे क्या होगा कि आप मोबाइल को अपने कैमरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल से आप बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनसे आप दोनों काम कर सकते हैं। एक्शन कैमरे से बेटर मेरे लिए फ़ोन है, इससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो गाइज़ इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया प्रोडक्ट्स, अगर वो आपको अच्छे लगे हो तो आप उनको ख़रीदना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ख़रीद सकते हो। बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये सेटअप कैसा लगा। ओके, तो ऐसे मिलते किसी नई वीडियो में। ओके, टिल देन बाय 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 बाय।